हेलो व्यूअर्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब, बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। व्यूअर्स, जैसा कि आप सबको पता है कि 13 अप्रैल 2021 मंगलवार से नवरात्रि प्रारंभ है। नवरात्रि के सबसे पहले दिन कलश स्थापना यानी कि घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और घट स्थापना की सही विधि क्या है? वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ भगवती के एक स्वरूप श्री शैलपुत्री, श्री ब्रह्माचारिणी, श्री चंद्रघंटा, श्री कुष्मांडा, श्री स्कंद माता, श्री कात्यायनी, श्री कालरात्रि, श्री महागौरी, श्री सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह क्रम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रातःकाल शुरू होता है। प्रतिदिन जल्दी स्नान करके माँ भगवती का ध्यान तथा पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 13 अप्रैल 2021 मंगलवार को सुबह 6:21 से 10:16 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से दोपहर 1:04 तक। देवी पुराण के अनुसार माँ भगवती की पूजा अर्चना करते समय सर्वप्रथम कलश और घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना करना अर्थात नवरात्रि की कालावधि में ब्रह्मांड में कार्यरत शक्ति तत्व का घट में आवाहन कर उसे कार्यरत करना। कार्यरत शक्ति तत्व के कारण वास्तु में विद्यमान कष्टदायक तरंगे समूल नष्ट हो जाती हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कलश को सुख समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। कलश के मुख में विष्णु जी का निवास, कंठ में रुद्र तथा मूल में ब्रह्मा स्थित है और कलश के मध्य में देवियां मात शक्तियां निवास करती हैं। कलश स्थापना के लिए सामग्री, जौं बोने के लिए मिट्टी का पात्र, जौं बोने के लिए शुद्ध साफ की हुई मिट्टी, पात्र में बोने के लिए जौं, घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश, कलश में भरने के लिए शुद्ध जल, गंगा जल, मोली, इत्र, साबुत सुपारी, दुर्वा, कलश में रखने के लिए कुछ सिक्के, पंचरत्न, अशोक या आम के 5 पत्ते, कलश ढकने के लिए ढक्कन, ढक्कन में रखने के लिए बिना टूटे चावल, पानी वाला नारियल, नारियल पर लपेटने के लिए लाल कपड़ा या चुन्नी और फूलमाला। घट स्थापना की विधि। सबसे पहले जौं बोने के लिए मिट्टी का एक पात्र लें। इस पात्र में मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब एक परत जौं की बिछाएं। इसके ऊपर फिर मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब फिर एक परत जौं की बिछाएं। जौं के बीज चारों तरफ बिछाएं ताकि जौं कलश के नीचे न दबे। इसके ऊपर फिर मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब कलश के कंठ पर मोली बांध दें। कलश के ऊपर रोली से ओम स्वास्तिक लिखें। अब कलश में शुद्ध जल, गंगा जल कंठ तक भर दें। कलश में साबुत सुपारी, दुर्वा, फूल डालें। कलश में थोड़ा सा इत्र भी डाल दें। कलश में पंचरत्न डालें। कलश में कुछ सिक्के रख दें। कलश में अशोक या आम के पत्ते रख दें। अब कलश का मुख ढक्कन से ढक दें। ढक्कन में चावल भर दें। नारियल पर लाल कपड़ा लपेट कर मोली लपेट दें। अब नारियल को कलश पर रखें। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रुओं में वृद्धि होती है। नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं, जबकि पूर्व की तरफ नारियल का मुख रखने से धन का विनाश होता है। इसलिए नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका मुख हमेशा जो घट स्थापना कर रहा है उसकी तरफ होना चाहिए। ध्यान रहे कि नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। अब कलश को उठाकर जौं के पात्र में बीचों बीच रख दें। अब कलश में सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। हे सभी देवी देवता और माँ दुर्गा, आप सभी 9 दिनों के लिए इसमें पधारें। अब दीपक जलाकर कलश का पूजन करें। धूप बत्ती कलश को दिखाएं। कलश को माला अर्पित करें। कलश को फल मिठाई अर्पित करें। कलश को इत्र समर्पित करें। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताई है घट स्थापना की सही विधि और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें जहां भी आप लोगों से मिलते जुलते हैं। मिलते हैं कल ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।
तब तक के लिए आप सबको जय माता दी।